आप सभी का स्वागत है मेरी कुकिंग क्लास में। आज बनाने जा रहे हैं आलू के टिक्के। तो इसके लिए मैंने चार आलू लिए बड़े, कद्दूकस कर लिया। इसमें डाल देंगे थोड़ी सा नमक मिर्च, तो यहाँ पर हम पीसी हुई मिर्ची डाल देंगे इसके अंदर, एक चम्मच गरम मसाला, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना। तो यहाँ पर चाट का मसाला डाल देंगे, आधा चम्मच ले लिया मैंने अंदाजे से। इसके अंदर डाल देंगे सूजी, तो मैंने चार चम्मच लिए छोटे सूजी के, तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसे हाथ के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है। हम इसके छोटे छोटे बनाएंगे टिक्की, आप जितने बड़ी मर्जी साइज के बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ी बड़ी बनाऊंगी। लेकिन सारी टिक्की जितनी भी है वो, तो चलिए तो टिक्की अच्छी तरह से पक चुकी है, तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे। उसको पलट के भी दिखा दूंगी, तो देखो कितना अच्छा कलर आ चुका है। मैंने टिक्की को प्लेट में निकाल लिया है, तो इसके करते हैं डेकोरेट। यहाँ पर मैंने दही ले लिया है, तो यहाँ पर मैं ले ली है सॉस घर की, टोमेटो सॉस। अच्छी से देना छोटी प्लेट है जो मैंने अलग से रखी हुई है, तो यहाँ पर मेरे पास है ग्रीन कलर की सॉस।
रेसिपी आलू टिक्की की। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने घर की चीज़ों में से टिक्की को बना के तैयार करके आप भी घर पर बनाइए और इसे अच्छी तरह से मज़े लीजिए घर में।